नकारात्मक शक्ति ठारु निज घर को किभली करिवे सुरक्षा कौन कले नकारात्मक शक्तिर प्रभाव कम रहिबो एवं घरर केउ दिग प्रति बेसी ध्यान देबे से संपर्क रे आज आमे जानिबा। आपण माने जानिथिबे स्वस्तिक चिन्ह हेउछि शुभर प्रतीक। सनातन धर्म रे स्वस्तिक चिन्ह को शुभर संकेत भाबरे मानंती। कारण रहिछि जे आमे प्रत्येक मंगल और शुभ कार्य रे एही चिन्हटी को निश्चित भाबरे व्यवहार करिथाउ। मान्यता रहिछि स्वस्तिक चिन्ह प्रभु गणेशंक प्रतीक अटंती। एही चिन्हर उत्पत्ति आर्यमानंक पाखरु होइथिला। केवल ज्योतिष शास्त्र और हिंदू धर्म रे एहाकु व्यवहार करा जाय नथाय। वास्तु शास्त्र रे मध्य एहार अनेक मान्यता रहिछि। विश्वास रहिछि घरर किछि मुख्य स्थान रे स्वस्तिक चिन्ह अंकिबा द्वारा चमत्कारी लाभ मिलिथाय। तेबे आसंतु जानिबा घरर केउं केउं स्थान रे एही चिन्ह अंकिले किभलि चमत्कार लाभ होइथाय। मुख्य द्वार रे करंतु स्वस्तिक चिन्ह। वास्तु शास्त्र अनुसार घरर मुख्य द्वार दुई पार्श्वरे स्वस्तिक चिन्ह करिबा आवश्यक। एहा द्वारा घर को सकारात्मक शक्ति आसीथाय। घरे थिबा वास्तु दोषरु मध्य मुक्ति मिलिथाय। किंतु ध्यान रखिबे जे घरर मुख्य द्वार रे नौ आंगुली लंब और चौड़ार स्वस्तिक चिन्ह सिंदूर रे हेबा आवश्यक। घर अगणारे करंतु स्वस्तिक चिन्ह। कुहाजाए घर अगणारे स्वस्तिक चिन्ह अंकन करिबा द्वारा शुभ फल प्राप्ति होइथाय। पितृपुरुषों पर घर अगणारे गोबर स्वस्तिक चिन्ह तैयारी करिबा द्वारा पितृपुरुषों विशेष कृपा प्राप्ति हुए। एहा द्वारा घरे सुख शांति प्राप्त होवा सहित नकारात्मक शक्तिर अंत घटिथाय। ठाकुर घरे स्वस्तिक चिन्ह। ठाकुर घरे स्वस्तिक चिन्ह करिबा द्वारा शुभ फल मिलिथाय। ठाकुर घरे स्वस्तिक चिन्ह करि ता उपरे गणेश और लक्ष्मी को स्थापन करिबा द्वारा शुभ फल प्राप्ति हुए और भगवान को आशीर्वाद सदा सर्वदा रही थाए। घरर आलमीरा ट्रेजरी एवं जेउ स्थान रे आपण टंका पैसा सुना रखुचंती सेठारे मध्य करंतु स्वस्तिक चिन्ह। एथिरे समृद्धि मिलिबा सहित आर्थिक स्थिति मध्य सुदृढ़ हेबो। खास करी दीपावली दिन आलमीरा भितरे स्वस्तिक चिन्ह करिबा उचित। ब्यूरो रिपोर्ट, ANS ओडिया।